आकाशों की हवा, इस सप्तनाशक खंजर की महाशुद्धि करो। नदियों का पानी, सात आकाशों की हवा लग चुकी है इस खंजर पर। अब बस सात ग्रहों की अग्नि बाकी है, उसके बाद बालवीर और विवान का खून लगेगा इस खंजर पर। भागते दौड़ते तो मैं बहुत थक गया, बहुत भूख भी लगी है, खाना कहाँ मिलेगा? खाने का जुगाड़ क्या चिंडी, मेरा ही सैंडविच चुरा रही है। दूसरों के सैंडविच पे नजर मारने से पहले पहले खुद का खाओ, ये तो तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होगा तुम्हें। भले ही मैं भुक्कड़ हूँ लेकिन सैंडविच चोर नहीं हूँ। मेरी प्लेट पे हाथ डाल रहे हो और मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। चिंटी मेरे एक हाथ में प्लेट है, दूसरा हाथ में सैंडविच, ये तेरी प्लेट में तीसरा हाथ किसका है? विवान तू? हेलो हेलो। स्कूल में मेरे हाथों जो धक्का खाया था वो भूल गया क्या कि अब यहाँ घुसे भी खाने आ गया है? बता दे किस धक्के की बात कर रहा है। तूने हमारी प्लेट में से खाने चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं खाना नहीं चुरा रहा था, मैं तो तुम दोनों की जान बचा रहा था। क्या? हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस चटनी में ना, चटनी नहीं सॉस है ये। हाँ भाई भाई, इस सॉस में ना जहर मिलाया हुआ, जहर। क्या जहर? हाँ, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि जहर इसमें नहीं, इनके अंदर जो सांस है ना उसमें है। मुन्नू चिंटी तो फिर हमने को ये बर्गर और सैंडविचेस फेंकने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ ना खाने के लिए। मेरा मतलब मैं खा लेता हूँ बर्गर, मैं खाकर देखता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं होता तुम लोग खा सकते हो। जो भी होगा इससे ही होगा। हाँ चिंटी, इसको ही दे देते हैं। ठीक है ये ले। विवान, कुछ पता चला क्या, उसमें जहर है? जहर का असर होने में ना समय लगता है, मैं खा लेता हूँ, अगर तुम लोगों को अभी खाकर देखना है तो खाओ। नहीं नहीं, तू ही चेक कर ले। ये विवान ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? हमें शौर्य को तुरंत इस बारे में बताना चाहिए। शौर्य, मुझे लगता है कि जब से हमने ये फैसला लिया है कि विवान को बालवीर की सारी शक्तियाँ एक साथ नहीं मिलेगी, वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। हाँ, उसके बात करने का तरीका, उसकी चाल तक ऐसे बदल गई है जैसे वो विवान ही ना हो। हमें शक है शौर्य, इन सब के पीछे तिमनासा का हाथ तो नहीं है? मुझे लगता है कि हमें बालवीर को बता देना चाहिए। नहीं पानी परी, इमसार ग्रह पर 411 साल में एक बार ठंड का मौसम आता है। काल परी को ठीक करने वाली ओस की बूंदें सिर्फ कुछ पलों के लिए उस पर्वत पर मिलेंगी, इसलिए हम बालवीर को अभी परेशान नहीं कर सकते। तो फिर विवान? तुम लोग फिलहाल विवान के ऊपर पैनी नजर रखो, पता करो कि वो दुखी होने की वजह से ऐसा कर रहा है या फिर वाकई में इसके पीछे तिमनासा की कोई चाल है।
मस्ती परी के खून का बस यही इस्तेमाल किया तुमने विवान के कान भरना? ऐसा हो गया जैसे चट्टान से चींटी को मारा हो तुमने काल परी। अब मेरी समझ में आया भैमार कि तुम काल लोक के सिर्फ सेनापति बनकर क्यों रह गए, क्योंकि बारीक चाले तुम्हारी मोटी दिमाग में बैठती नहीं। जुबान संभाल के काल परी। देखा कितना आसान है तुम्हारी भावनाओं के तार खींचना। अगर तुम्हारी चाल इतनी बारीक है उसका फायदा कब होगा? चुलाहा महीनों तक बुनाई करता है तब जाकर उसकी एक चादर बनती है, लेकिन उस बुनाई की एक गांठ भी खोलती जाए ना तो उस पूरी चादर के धागे उखड़ जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि विवान के दिमाग में एक ऐसी छोटी सी गांठ डालकर आई हो जिससे वीर लोग के पुरसे पुरजे उखड़ जाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। काल-लोक और वीर-लोक वालों में बस यही अंतर है, वहाँ के निवासी आपस में बहस नहीं करते। बहस नहीं, विचारों का लेन देन चल रहा था विवान। काल-लोक में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलता है। और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, बहुत सुनने बालवीर के लेक्चर कि ताकत का सही इस्तेमाल करो और सारी शक्तियाँ पाने के लिए वेट करो। और यहाँ काल-लोक में कम से कम वेट तो नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही किया तुमने विवान, स्वागत है तुम्हारा काल-लोक में। बीमार? अब देखना बालवीर, तुम्हारा ये चेला विवान अब खुद तुम्हें ही हराएगा। माना ये गेम आपका था काल परी, लेकिन ऐसे खेल मैं रहा था आपको दिखाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और मैं आपकी ही गेम में आपको इस सॉलिड वाली हार देके जाऊंगा। देखते जाइए कैसे। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि मुझे काल-लोक की सारी पावर्स कब मिलेगी। विवान, इस बात का फैसला तो तिमनासा ही करेगी। तो बुलाइए ना टिम्मी आंटी को। नहीं है तिमनासा काल-लोक में। तिमनासा नहीं है यहाँ। जरूर वो कोई नई प्लानिंग करने वाली है, लेकिन उसके पहले ये मौका सही है अपना गेम खेलने का। क्या सोच रहे हो विवान? मैं, मुझे तो लगा कि मम्मी के अभी वीर लोग जाकर हमला कर देंगे, क्योंकि मुझे तो अपने इंजर्ड का बदला लेना ही है अभी तुरंत। ना थोड़ा सा इंतजार कर लो विवान, क्योंकि इंतजार के बाद बदले का स्वाद और भी मीठा होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे तो मीठा बिल्कुल ही गर्म खाने की आदत है, फिर चाहे उसे खाने के बाद मेरा मुंह ही क्यों ना जल जाए। और वैसे भी ये वीर लोग पर हमला करने का बेस्ट मौका है, क्योंकि अभी वीर लोग में बालवीर नहीं है। कहाँ है बालवीर? अब वो तो मुझे नहीं पता, और वैसे भी वीर लोग वाले मुझे पूरी बात कहाँ बताते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। काल परी, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, हमें तुरंत वीर लोग पे हमला। नहीं बेमान, तिमनासा की मर्जी के बिना हम कोई फैसला नहीं ले सकते। लेकिन तिमनासा के आने तक बहुत देर हो सकती है काल परी, और हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा। भैमार, इस वक्त काल-लोक की बागडोर मेरे हाथों में है, और मैंने एक बार कह दिया कि हम हमला नहीं करेंगे यानी नहीं करेंगे। मुझे समझ आया कि वीर-लोक वाले आपको श्रीमान केपी क्यों बुलाते हैं। केपी? हाँ, काल परी की पूछ। जुबान संभाल के विवान। वैसे ही जैसे आप काल परी के सामने बात करते हो, जुबान संभाल कर बात। आ, 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 आ,
किसी ने पति तो आप है ना, तो फिर वो कालपरी कैप्टन कैसे बन गए? बताइए, वीर लोग पर अटैक करने का ये बेस्ट मौका है, और कालपरी ने तो आपको नहीं पहुंचे और आप चुपचाप मान भी गए, बिल्कुल किसी पूछ की तरह। मैं भयमार हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता हूँ। मेरे और पार्टनर के बीच फूट डालने की कोशिश की थी ना तुम लोगों ने, लेकिन अब देखते जाओ मैं कैसे तुम लोगों के बीच में फूट डालता हूँ। कुछ भी हो, करुणा जी बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है, मन हो रहा है इस खाने के लिए काल लोक से संन्यास ले लूं। वाह वाह विवान, विवान, क्या हुआ बुड्ढे? मेरे मतलब मेरे प्यारे से गुट्टे जैसे दादाजी। इधर आओ। मेरे लड्डू कलाकंद पेड़े। इधर आओ बदमाश। बाबा जी आए। ये सब तोड़फोड़ क्यों की? अरे अरे मैंने नहीं, ये तो विवान ने किए। बदमाश। अरे दादाजी आप कान क्यों खींच रहे हैं? अरे ये कान मैं कहाँ खींच रहा हूँ, ये कान तो तेरे दादाजी खींच रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह ये सब तोड़फोड़ तूने नहीं विवान ने की है। दादाजी दादाजी कृपया कान छोड़िए प्लीज, कृपया छोड़ दीजिए। अरे करुणा जी मेरा मतलब मम्मी, बचाइए ना प्लीज। अरे बोलो नहीं सुनो, आज तो तुझे मम्मी की मम्मी भी नहीं बचा सकती। अरे दोनों तरफ से चाबी क्यों भर रहे हो? बोलो नहीं सुनो, आज स्कूल क्यों बंद किया तूने? बंक वो क्या होता है? अच्छा अभी बताती हूँ बंक क्या होता है। अरे कहाँ फंसा के चली गई है काल परी? वाह भैरानी, लगता है आपने इस खंजर की वो पूरी कर ली है, वो विधि। विधि संपूर्ण होने ही वाली है जगदाली, अब बस इस खंजर को सात तरह की अग्नि में तपाना बाकी है। हैं? अब भी तपाना बाकी है? वाह बहुत खूब तिमनासा, यहाँ तुम्हारी विधि पूरी होने वाली है और वहां मैंने वीर लोग को तबाह करने की तैयारी कर ली है। कौन सी तैयारी? मैंने विवान के मन में बालवीर के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है, अब वो काल लोक की शरण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, बिना कोई शस्त्र चलाए बिना किसी जादू के करिश्मा आपने किया कैसे कालपरी? तिमनासा, पृथ्वीवासियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है उनकी कांच के जैसा नाजुक अहंकार, और मैंने उसी का फायदा उठाया है। हाँ भैरानी, इस कालपरी ने उस विवान के मन में वो बैठा दिए, वो बात कि अगला बालवीर तो वो बनने वाला है। और इसी बात से विवान को इतनी ठेस लगी है कि वो भागता हुआ मेरे पास आ गया, क्योंकि वो अपनी शक्तियां नहीं खोना चाहता। और अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो? तुम चिंता मत करो तिमनासा, बालवीर हिंसार ग्रह गया है। अरे मेरे यकीन कीजिए, मैं स्कूल गया था, अब दीदी से पूछिए ना। हाँ मम्मी विवान सही कह रहे, उसने आज स्कूल बंक नहीं किया। हाँ? खुशी ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो विवान को मार्केट में देखा था, वो वहाँ कैंटीन वाले अंकल से बात कर रहा था। नहीं मेघा दीदी, आपको गलतफहमी हुई होगी, विवान का तो आज स्कूल में चिंटू के साथ झगड़ा भी हुआ था, मुझे सुतली ने बताया। कि क्या चक्कर है विवान? हाँ खुशी कह रही है तू स्कूल में था, मेघा कह रही तू मार्केट में था, और वो कैंटीन वाले अंकल ने मुझे बताया कि तू स्कूल गया ही नहीं। एक ही विवान एक साथ दो जगह,
ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्या है ना कि मैं शुरुआत के दो पीरियड नहीं था, उसके बाद में था। हाँ, तो दो पीरियड गोल कर दिए तूने। बदमाश, क्यों किए गोल? क्योंकि मैंने शुरुआत के दो पीरियड की पढ़ाई पहले कर दी थी। कृपया कान छोड़ दीजिए करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी, कान छोड़ दीजिए। अच्छा तो ठीक है विवान जी, तो अब मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगा। ओरल टेस्ट? हाँ, यानी मौखिक परीक्षा, यानी मुझे पता चल जाएगा कि तुमने पढ़ाई की है या नहीं। दो दो, मेरे मतलब दो दो किताबें। शुक्र करो बेटा कि तुमने दो ही पीरियड में बंक मारे हैं। अगर तीन पीरियड में बंक मारा होता ना तो तीन तीन किताबों से सवाल पूछता। चलो साइंस छोड़कर तुम्हें नैतिक शिक्षण का सवाल पूछता हूँ। अगर रास्ते में तुम्हें किसी इंसान का बटुआ मिले तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, उसमें से पैसे रख के बटुआ फेंक दूंगा। क्या ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? बल्कि ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा, बल्कि मैं तो वो बटुआ उसके मालिक को वापस कर दूंगा। अच्छा अगला प्रश्न पूछिए ना। अगर कोई भूखा इंसान तुम्हारा टिफिन चुरा लेता है तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, मैं उसको इतना मारूंगा कि उसका पेट हमेशा के लिए भर जाएगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा भला, ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा ना, बल्कि मैं तो दीदी का भी टिफिन उसको दे दूंगा। देखा मेगा कैसे घुमा फिरा कर जवाब दे रहा है। हाँ दादाजी, पर आप चिंता मत करिए, मैं इसे अपनी बहनों के पास ले चलती हूँ, वहाँ हम इसे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम ले चलो। हाँ खुशी, मस्ती परी को कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया है? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? हे विनाश की महाशक्ति, प्रकाश की परम ऊर्जा, सात प्रकार की शुद्ध अग्नि, आओ, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। आओ दीपक की अग्नि, पहुंच गया चतुर्कुट पर्वत की चोटी पर, वो उसकी बूंदें कहां होंगी? बहुत जल्द आप अपने बेटे के पास अपने घर वापस होगी। आओ सबसे तीव्र सूर्य की अग्नि, आओ इस सप्तनाशक खंजर का अभिषेक करो।
समझा रही हूँ बालवीर, तुम हिमसार ग्रह से चाहे कोई भी अस्त्र क्यों ना ले आओ, लेकिन तुम इस सख्त नाशक खंजर को काट नहीं पाओगे। तुम्हारी हालत निश्चित है। इनोस की बूंदों से मुझे मेरी मां वापस मिल जाएगी। इंतजार लंबा सही, पर खत्म हुआ मां।